नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं संतोष कुमार जो टीवी न्यूज के संवाददाता है नारायणपुर से। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। हमारे साथ में अंकुश रागत जी है जो प्रदेश चेयरमैन है केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के। अंकुश रागत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हेमंत राव जी है, रमेश श्रीवास्तव साहब जी भी है और देवेंद्र पाठक जी हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू परिषद के। आप तीनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र पाठक जी, आपसे सीधा सवाल है कि हिंदू तो खतरे में है, हिंदू खतरे में है, साजिश झूठ अरेब से शिकार हो रहा है सनातन, कितना सहमत हैं आप? वो भी 15 साल से, या कहें हम तीसरी टर्म में अब भारतीय जनता पार्टी आ गई, यही नारा पहले था, यही नारा अब है, खतरे में कैसे जी? जी, सबसे पहले तो भारत माता की जय, जय हिंद जी। हम आपको बताएं, जहां तक मुझे ध्यान है कि सन 1990 की बात है, आज से नहीं, मुगलों के टाइम से हिंदू खतरे में है और बहुत ही ज्यादा खतरे में। सन 1990 की बात बता रहे हैं हम आपको। कश्मीर का मामला था, सन 1990 में 1100 मस्जिदों से एक साथ आवाज आई थी श्री राम जी कि या तो हिंदू छोड़ दें या इस्लाम कबूल करें और अपनी माँ बहनों को यहाँ पर छोड़ के चले जाएं। इतना बड़ा हादसा हुआ, लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन किसी भी नेता ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, ना ही हिंदूवादी संगठन ने, और कई बार ऐसे आक्रमण हुए हैं हिंदुओं पर जिनको अपनी जान की बाजी देनी पड़ी और माँ बहनों का बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देकर छोड़ना पड़ा कश्मीर। कश्मीर के हम गांव भी देख रहे हैं, हिंदुओं के प्रति बहुत अत्याचार हो रहे हैं। और आपको बताएं, जब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं तो हमारे हिंदू कुछ नेता हैं जो उन्होंने मुस्लिम हिंदू विरोधी ताकतों का समर्थन किया है, जिसकी वजह से लगातार हम हिंदू अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहे। और जब तक श्रीमान जी हिंदू संगठित नहीं होगा, जब तक हम नहीं समझते कि हिंदू खतरे से उभर पाएगा और ये जीवन भर रहेगा। हम आपको बताएं कि जब तक एक हिंदू की मदद के लिए जी तक आते रमेश श्रीवास्तव साहब, एक दौर था चार युगों में जब इसको सनातन में माना गया है, तो त्रेता युग जो है वह ब्राह्मणों का युग कहा जाता है, सॉरी सतयुग, सतयुग के बाद में त्रेता आता है, त्रेता क्षत्रियों का युग कहा जाता है और फिर आता है द्वापर, ये यदुवंशियों का जो है राज था। लेकिन साथ ही जब कलयुग की शुरुआत हुई तो कलयुग में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मतलब चित्रगुप्त से संबंधित जो कायस्थ समाज की बारी आती है, चाहे वह इस देश के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों या चंद्रगुप्त रहे हों, तमाम जो है लोग बढ़ते रहे। क्या ये युग, स्वामी विवेकानंद की भी अगर बात करें तो वो भी कायस्थ थे, एक कायस्थों का युग नहीं है क्या? और फिर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहां खो दिया है? क्या उस चीज को लेकर के आप कैसे देखते हैं कि एक कायस्थ समाज को जहाँ छोड़ा जा रहा है, ओबीसी में डाला जा रहा है, भाई वो तो इस युग के राजा है। ओबीसी वर्ग के आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जीता जागता उदाहरण है ओबीसी समाज के। वो एक समाज भले ही हो लेकिन वो हिंदुत्व को एक करने की बात करते हैं और हिंदुओं को एक होने की बात करते हैं। इतना सहमत है कि आज हम नेताजी के चेहरे से पीछे हट रहे हैं, नेताजी बोस को आगे नहीं ला पा रहे हैं, नेताजी बोस की जो मांगे हैं वो आज भी जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके पदचिन्हों पर हम चलने की बात तो करते हैं उनकी केवल एक तस्वीर लगाने, हिंदुत्व की बात तो नेताजी बोस भी करते बात भी रखते थे, हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे लोग उनके जो है वहां काम करते थे। इतना सहमत है आप कि हिंदुत्व खतरे में है तो क्यों खतरे में है?
मुगल आए तब भी तो हम खतरे में थे, फिर भी आज हैं। अंग्रेज आए मार मार के बता दिए, फिर भी हम आज हैं। हमारा भविष्य तो सदैव से खतरे में ही था, आज भी खतरे में है। दो टर्म निकल चुके हैं, इसी टर्म में भारतीय जनता पार्टी है। आपको लगता है कहीं राजनीति के बहाने असली इतिहास से दूर किया जा रहा है, असली चीज पढ़ाने के बजाय केवल गुमराह और भ्रमित समाज को किया जा रहा है? जी रमेश श्रीवास्तव। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप एक काम करिए कि आपने जो कान में लगाया है ये ईयरफोन, इसको आप निकाल दीजिए, आपकी आवाज सीधे आएगी। इसको आप निकाल दीजिए, बिल्कुल मोबाइल से भी निकाल दीजिए, कान से भी ईयरफोन निकाल दीजिए। नहीं अभी भी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप दोबारा से जुड़े, मैं एक बार जो है आपको यहाँ से जो है थोड़ा सा नहीं आपको कर रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा जुड़े और ये जो आपने ईयरफोन लगाया इसको आप बिल्कुल बाहर आप निकाल दीजिए, जरूरत ही नहीं है, आप सीधे आप जुड़ जाएंगे। दोबारा से आप उसी लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अंकुश राघव जी, हिंदुत्व तो कितना खतरे में है और क्या अभी भी खतरे में है? जी जी सर, जी आ रही है आवाज। जी हिंदुत्व तो कितना खतरे में है और क्या अभी तक खतरे में है? कैसे सर? हिंदुत्व खतरे में तो जब तक रहेगा जब तक संगठित नहीं होगा। हिंदुत्व हमेशा से राजनीति का शिकार होता हुआ आया है, वरना हिंदुत्व को कभी कोई खतरा किसी से था ही नहीं। जब से ये नेता आए हैं इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करना स्टार्ट की है, जब से ये हमेशा से डर बैठाए हुए कि हिंदुत्व खतरे में है। लेकिन देवेंद्र पाटिल ने शुरुआत में आपको बोला साफ तौर पर कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब कश्मीरी पंडितों को ये बोला गया कि आप चले जाइए यहाँ से और अपनी बहन बेटियां छोड़ जाइए, मस्जिदों से आवाज आएगी। साथ ही ये भी चीज उन्होंने उठाई कि उस दौर में केवल कश्मीरी पंडित पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, क्या कहते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो भारतीय लोग हो या हिंदू लोग हो वो पंडित करके उनको पंडित की संज्ञा देते हैं, जबकि उसमें बौद्ध भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें बहुत सारी जातियां थी, लेकिन उन सभी को कश्मीरी पंडित की संज्ञा दी गई क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा जो है कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोपोगंडा था। तो अब जैसे आप देखते हैं उन्होंने जो सवाल किया है उसको लेकर के मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। केवल राजनीति ही क्यों, राजनीति को बार बार बहाना भी क्यों बनाया जाता है? क्या वास्तव में खतरे में नहीं है? क्या जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद में ब्राह्मणों का बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ 1950 में, और उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार 1984 में लगातार घटता आ रहा है। जी राकेश अवदिच्ची जी जुड़ चुके हैं। राकेश अवदिच्ची जी वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान के। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका राकेश स्वागत है कि आपने आपकी जोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। चर्चा हिंदुत्व पर है कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है, साजिश झूठ फरेब से शिकार हो रहा है, कितना सहमत है आप जी और कैसे? क्योंकि आज भी हिंदू खतरे में है, मुगलों के समय भी था, अंग्रेजों के समय भी था, आखिर हिंदुत्व ही क्यों बार बार जो है कमजोर हो रहा है? कभी सिख तो नहीं कहते कि हम सिख खतरे में है? लगातार केशव जी इस प्रकार से आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा सवाल है, उस सवाल जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी जाति वर्ग को साथ लेकर सरकार वही सरकार सर्वश्रेष्ठ सरकार होती है। इतनी बड़ी बात, ये हिंदुत्व की बात करेंगे हम तो हिंदुत्व वाकई में खतरे में है। इस तरह से हमारे देश में आज आपने देखा होगा कि हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार से
जो मामले चल रहे हैं, जिस प्रकार से जो हिंदुत्व के जो घटते, मेरा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है, सभी व्यक्तियों से हमारा अनुरोध है कि वो राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत देश में हिंदुत्व का परचम ले रहे हैं और जो हिंदू समाज सुधारने की बात है उसको लेकर कहीं ना कहीं के बारे में नई क्रियान्विति के बारे में सोचे। रमेश श्रीवास्तव जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी आपकी आवाज साफ आएगी, और आपने आप ईयरफोन नहीं लगाए, इसको आप निकाल दीजिए, बिना ईयरफोन के आपकी आवाज बहुत सीधे आएगी, हमारे तक पहुंचेगी। आप ईयरफोन आप अपने मोबाइल से कनेक्ट न करें, इसको आप निकाल दीजिए, आपकी आवाज सीधी जो है हम तक पहुंचेगी। हमारे साथ हेमंत राव जी है, हेमंत राव जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सही नहीं आ रहा है जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक जी? हिंदुत्व पर क्या रखेंगे, हिंदुत्व को लेकर भी लगातार ही कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार हमारे नेता बोलते हैं, लगातार बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। मैं आपको एक चीज साफ बता दूं कि सिख धर्म जब से बना खतरे में ही था, उस पर इतने आक्रमण हुए, इतनी सारी चीजें हुई, कभी सिखों ने नहीं कहा कि हम खतरे में है, उन्होंने तलवार उठाई और लगातार चलाते आए हैं, उन्होंने बहुत सारे दंश भी झेले हैं, जिनमें 1984 का दंश को पूरी दुनिया जानती है, 1984 में सिखों के साथ क्या हुआ, लेकिन वो आज भी लगभग लगाते हैं, वो आज लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते कि मैं खतरे में हूँ, क्योंकि वो लड़ना जानते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि जब खतरा आएगा उससे निपट लेंगे। जी हेमंत राव जी, हिंदुत्व तो खतरा तो है ही है सर, पहले से ही है। जी हेमंत जी, संतोष साहब आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? आपका ऑडियो बंद है, आपका ऑडियो बंद है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आप लोग जो है धर्म को लेकर के भी बहुत विवाद करते रहते हैं, वहां पर किस तरह से आप देखते हैं? सर फिर से रिपीट करेंगे सर? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विवाद देखने को मिले हैं, जिन्होंने लगातार प्रश्न उठाए भी गए हिंदुओं को लेकर के, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी कहीं ना कहीं क्या हिंदू तो खतरे में है? मुझे तो नहीं लगता कि सर हिंदुत्व तो खतरे में है, इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि लोग संगठित है ही नहीं, संगठित है ही नहीं, तो लोग बटे हुए हैं, तो लोग और बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदुत्व की खतरे की बात में मुसलमान और ईसाई ये गांव-गांव में अपने मिशनरियों को बढ़ाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक, जिसे लोग अपने आदिवासी या हिंदू संगठन के जो भी हैं वो लोग बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की कोशिश यही रही है कि वो बांट के किस प्रकार से इन पर अधिकार किया जाए या इन पे जुल्म किया जाए। देवेंद्र पाठक जी, वर्तमान में राज ठाकरे साहब और साहब ठाकरे जी आपको हिंदुवादी कहते हैं, ऐसा हिंदुवादी हो सकता है जो भाषा के नाम पर नफरत करता हो, जो भाषा के नाम पर ये देश को समझा रहा हो कि हम उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान गुजरात बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम हैं तो हिंदुवादी नेता, हम हैं तो राष्ट्रीय नेता, हैं तो हम बाला साहेब की ठाकरे की विरासत संभालने वाले व्यक्ति, लेकिन हम नफरत करेंगे, हम मार मार के भगाएंगे, क्या कभी अन्य धर्म के लोग दूसरे धर्म से नफरत करते हैं भाषा के नाम पर? क्या दूसरे धर्म के नफरत लोग करते हैं क्षेत्रवाद के नाम पर? क्या दूसरे धर्म के लोग नफरत करते हैं जातिवाद के नाम से? देवेंद्र पाठक जी, सीधा सवाल है कि भाषा के नाम पर हम कितना बटे हैं? गुजरात वाला व्यक्ति हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करता है, एक बड़ा फर्क है, और पिछले में उदाहरण भी देखने को मिला जब मार मार के भगाया गया, मराठा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं किया जाता, पंजाब के अंदर हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं किया जाता, और साउथ में अगर हम चले जाए तो पूरे नॉर्थ को नकारते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू है नहीं, तो इस तरह से क्या हिंदू एक हो जाएगा? हम भाषा के नाम पर हम बटे,
क्षेत्रवाद के नाम पर हम बटे, जातियों में हम बटे, बहुत तमाम कारण है। जी जी सबसे सुंदर बात कही, आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये परिवार में संगठन नहीं है, भाइयों में संगठन नहीं है। एक परिवार में दो भाई हैं, जरा सी जमीन के पीछे भाई भाई का कत्ल कर दे रहा है भाई, जब परिवार में संगठन नहीं है। और जात पात पे तो आप ये समझ रहे हैं, हिंदू बट गया है, भाषा में बट गया है, और सबसे बड़ी कमजोरी हम आपको बता रहे हैं हिंदुओं की यही है। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम आपस में ही, चाहे वो अपना परिवार हो या मोहल्ला हो या कोई, जैसे कोई अपने से नीचे वाला हो तो आदमी उसको दूर कर देता है, जबकि ऐसा हिंदू में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हिंदू आपको अभी संगठित, आपने ये बोला था संगठित, संगठित होना तो बहुत बड़ी बात है, पहले हम परिवार में तो संगठित हो जाएं। गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश से नफरत करते हैं, महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश के नफरत करते हैं, होना तो बहुत बड़ी बात है, पहले परिवार में तो संगठित हो जाएं। गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश से नफरत करते हैं जी, तो हम आपको ये बताएं कि अगर ऐसा रहा और जात पात में और भाषा में और नहीं राज्यों में अगर बढ़ते रहे तो हमें लगता कि हिंदू एक हो पाएगा। और हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है दया। हम लोग सारे हिंदू हैं जो बहुत दयालु होते हैं, हम लोगों को बचपन से ही रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, भागवत, इन चीजों का ज्ञान दिया जाता है, जबकि जितनी भी इस्लाम के लोग मानने वाले हैं उनको सिर्फ जिहादी बनाया जाता है, जन्म से ही जिहादी बनाया जाता है। हम आपको बताएं कि सबसे बड़ी गलती तो हमारी, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो एक बड़ी गलती हुई हम लोगों पे कि देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनना था, जो नहीं बन पाए, और इसमें महात्मा गांधी जी की अहम भूमिका रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाने की। सबसे बड़ी भारतीय संविधान में घड़ी बहुत बड़ी गलती हुई है। जब देश आजाद हुआ तो आप देखें हैदराबाद भारत में विलय नहीं हो रहा था, कश्मीर विलय नहीं हो रहा था, और भी रियासतें भारत में विलय नहीं हो रही थी। आज अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हम आपको बताएं हिंदुत्व तो सनातन की एक छवि और भारत का एक नक्शा अलग होता है। जो गलती हुई है उसको सुधारा तो नहीं जा सकता, माने बुलाया तो जा सकता है लेकिन सुधारा जा सकता है। अब सुधारा ये जा सकता है कि हिंदुओं को अब दयावान नहीं होना चाहिए। आपके इसी सवाल का जवाब ले लेता हूँ राकेश साहब। आपने सुना उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन जाने चाहिए, लेकिन आपसे सवाल पूछने से पहले मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ कि उस समय जो है लगभग 700-800 जो रियासतें थी वो अगर सरदार वल्लभ भाई प्रधानमंत्री बन जाते और गृह मंत्री कोई और व्यक्ति अगर बनता तो क्या वो गृह मंत्री बताओ जो काम वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, सरदार ने जो काम किया था, इतनी रियासतें जोड़ ली गई तो क्या इतनी रियासतें जुड़ पाती? पहला सवाल तो ये है, प्रधानमंत्री तो बन जाते ठीक है उससे आपको सो जाते, लेकिन क्या जिस जगह वल्लभ भाई पटेल जी थे जो गृह मंत्री बतौर उन्होंने सारी रियासतें मिलाकर के जो देश को एक करने का प्रयास किया है, क्या वो और कोई गृह मंत्री के पद पर रह करके कर पाता? मान लीजिए कि अगर नेहरू जी गृह मंत्री होते तो क्या नेहरू जी कितनी रियासतें जोड़ लेते? प्रधानमंत्री का पद एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो अपने अपने कर्तव्य हैं, जो अपनी अपनी ड्यूटी है, क्या उस ड्यूटी में कोई वल्लभ भाई पटेल की जगह पर कोई और फिट बैठ रहा था? क्या सीधा सवाल है कि वो प्रधानमंत्री बनकर के क्या एक आध खंड का जो है आज प्रधानमंत्री बने होते? फिर जो लगभग जो रियासतें थी 700-800 रियासतें थी, क्या वो मिल पाती हमारे देश को, वो सारी एकजुट हो पाती? तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के पद पर वो प्रधानमंत्री बताओ क्यों ठीक नहीं है? क्यों आज लोग ये मानते हैं कि नहीं वो प्रधानमंत्री होने चाहिए थे? केवल प्रधानमंत्री हो जाने से क्या ये समस्याएं हल हो जाती? क्या वो रियासतें एक हो पाती? क्या कोई और गृह मंत्री या वो प्रधानमंत्री अगर बना दिया जाता, क्या वो काम कर पाता जो वल्लभ भाई पटेल ने किया? और क्या वो गृह मंत्री के पद पर ठीक है जिस तरह से उन्होंने रियासतें इकट्ठा की, वो प्रधानमंत्री का तो काम नहीं था, वो गृह मंत्री का काम था? जी सीधा सवाल है कि क्या गृह मंत्री के पद पर वल्लभ भाई पटेल जी थे जिन्होंने रियासतें जोड़ करके भारत को एक किया, या प्रधानमंत्री के पद पर आकर के कुछ नहीं कर पाते, एक आधी रियासत के ही प्रधानमंत्री रह पाते? जी केशव जी, मैं सभी हमारे एटीवी के जो हमारे व्यक्ति हैं जो जुड़े हुए हैं, जो हमारे
अतिथि हैं उन सभी से एकाग्र करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो आपका जो सवाल है वो बड़ा बेहद मुख्य रूप से एक इतना अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रश्न कहीं उठते हैं मगर सवाल देने वाला सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सवाल जब तक नहीं होंगे तब तक आंसर नहीं होगा। तो ये सवाल हमारे देवेंद्र जी के ही, पाठक जी के ही मन में नहीं है, ये पूरे भारत देश के व्यक्तियों के मन में है कि ऐसा होता तो ऐसा क्या होता। मगर जिस तरह से जो सियासत मिलाई है और जिस तरह से हमारे भारत देश को आज जो कई सारी चीजें मिली है वो उनकी वजह से है, जिन्होंने आज पटेल साहब ने जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में जो किया, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं पद का उपयोग कहाँ किया जाता है वो पद पर बैठे वाला व्यक्ति ही जान सकता है। तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठना और गृह मंत्री के पद पर बैठना दोनों में अंतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पास फुल ऑफ पावर होते हैं, जिन्होंने अपने पावर का उपयोग करके हमारे भारत देश की सभी सियासतों को मिलाकर और एक अच्छा हिंदू राष्ट्र बनाया, और अच्छा हिंदू राष्ट्र आज इसी वजह से आज आप और हम घर पर बैठकर डिबेट में बैठते हैं, घर में बैठकर हम बात करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज हम बैठे हुए हैं, आज हम शांति से डिबेट कर रहे हैं, आज हमारे ऊपर कोई सरकार की हर योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वो सभी जितनी भी चीजें हैं वो इसी वजह से है क्योंकि जो नियम बने, कानून बने, संविधान बने और जो हमारे देश के सिस्टम बना वो इतना अच्छा है कि उस सिस्टम से आज हम अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल मैं सभी से करना चाहूंगा, जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं उन सभी से एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने भी देखा होगा कि मदरसा बोर्ड के लिए भारत में एक सिस्टम चलाया जा रहा है, क्या इसे खत्म किया जाए। तो मैं एक आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या बनाया क्यों, और जब बनाया है तो खत्म क्यों करना चाहिए। इस सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बोर्ड बनाया जाता है या कोई भी, आज ब्राह्मण समाज का बोर्ड बना दिया या एसटी का बोर्ड बना दिया, एससी का बोर्ड बना दिया, अलग अलग बोर्ड बना दिए, और राज्य की सरकारों में आपने देखा होगा कि लड़ाई करने के लिए, विवाद करने के लिए, समाज को समाज से लड़ाने के लिए, ये बहुत पेचीदा सवाल है और हमारे लिए मुख्य है, क्योंकि जिस प्रकार से आप हिंदू राष्ट्र की और हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मगर जिस प्रकार से समाजों को लड़ाकर राजनीति की जा रही है, हर समाज में एक बोर्ड बना दिया गया है सरकार द्वारा, तो और क्यों है और क्या होना चाहिए इस पर, ये हम सभी हमारे जो अतिथि बैठे हुए हैं उन सभी से पूछना चाहूंगा, क्या ये सही है या गलत है। रमेश साहब, आप तक आवाज पहुंच रही हमारी? हाँ, अभी आपकी आवाज है। जो चीज राकेश साहब ने बताई है तो आप उससे कितना सहमत हैं, और कोई सवाल है आपको जो है काउंटर करने का पूरा अधिकार है, आप कर सकते हैं। आपकी शायद आवाज नहीं आ रही है, फिर दोबारा जो है देवेंद्र साहब, जो राकेश साहब ने जो काउंटर किया है, आप उस पर क्या जो है कहेंगे, क्योंकि हमारा सीधा सवाल था कि जो आज अगर हम देखें जो उससे क्यों सहमत नहीं लोग होते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू जी ही ठीक थे, समझ लेना चाहिए देश को, उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। गृह मंत्री के पद पर अगर जो है हमारे वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो वो जो रियासतें हैं जो एक साथ हैं, चाहे वो जूनागढ़ की हो, चाहे राजस्थान की रियासत हो, या हिमाचल की हो, या पंजाब हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, तमाम रियासतें हमारी लगभग 687 रियासतें जो थी, वो आज जो है हमारे साथ में एकजुट हैं तो गृह मंत्री की वजह से। मैं हमेशा कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री का पद कोई दे दिया गया होता, लेकिन अगर एजुकेशन मिनिस्टर अगर देश का पहला मौलाना अबुल कलाम की बजाय हमारे देश में अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया होता या किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया होता तो हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी होती। हर विभाग की अपनी एक शक्तियां होती हैं, कार्य शक्तियां होती हैं, और वही उसमें बदलाव कर सकता है। क्या मानते हैं आप अभी भी कि नहीं प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते और एक रियासत के प्रधानमंत्री होते और आज हम उसी में जी रहे होते, ये अच्छा था? जी, हम आपको बताएं, सन 1962 जब चीन ने आक्रमण किया भारत पर तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और शायद ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा प्रधानमंत्री देखने को मिला कि जब चीनी सेना भारत के अंदर घुसाई कई हजार किलोमीटर दूर, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता चला अखबारों के द्वारा कि चीन की सेना हमारे भारत के अंदर घुसाई है, ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा है कभी?
और हम आपको बताएं, जब चीन की सेना भूखों मरने लगी सीमा पर बॉर्डर पर, तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उन्हें चावल और खाने की व्यवस्था की, जबकि वो हमारे सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे थे, तोप के गोले बरसा रहे थे। आप ये बताएं, क्या प्रधानमंत्री ये सही है? मैं मानता हूं कि कोई भी गृह मंत्री होता, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का सानी नहीं है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह कोई काम कर पाता। मैं फिर भी कहता हूं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की तकदीर और तस्वीर आज अलग होती। और हम आपको बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देवेंद्र जी, देवेंद्र जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने कहा वो बड़ी अच्छी बात है, मगर एक बात मैं आपसे, क्योंकि आप हिंदुत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संसद में और नेहरू जी ने खुद कबूल किया, देवेंद्र जी भोजन भेजा चीनी सैनिकों के लिए। देवेंद्र जी, बाला साहब ठाकरे अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, मगर क्यों नहीं बने? सिर्फ इतना सा सवाल है, इसमें आपकी सारे प्रश्नों का आंसर है। तो हिंदू तो सनातन होता पूरे भारत में। बाला साहब ठाकरे ने प्रधानमंत्री क्यों कुर्सी नहीं ली, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। जी आदरणीय, हम आपको बताएं कि बाला साहब बाल ठाकरे का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, सच्चे हिंदुत्व सनातनी व्यक्ति हैं, उनको मैं नमन करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी स्वीकार क्यों नहीं की, कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़े, ये सवाल है देवेंद्र जी मेरा आपसे। देखिए, बाला साहब बाल ठाकरे को कभी भी राजनीति से मोह नहीं रहा, उन्होंने हिंदुत्व सनातन की जंग लड़ी है, ना ही उन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की। इसका मतलब आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुत्व संगठन में बैठे दलाल सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। जी मानते हैं आप? जी 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 मानते हैं। सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है, मानते जब इनको दलाली करनी है तो फिर हिंदुत्व संगठन का नाम क्यों? जी हिंदुत्व सनातन और केशव जी ने यही कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री की कुर्सी इसलिए ली क्योंकि वो हमारे जो विकास है उसको और हमारे नियम कानून को किस तरह से बदल सकते हैं, किस तरह से भारत में अच्छा स्वराज्य ला सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी न लेकर गृह मंत्री की कुर्सी को हासिल किया। इसी तरह से बाला साहब ने भी कोई कुर्सी हासिल नहीं की, मगर फिर भी आज भी हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, वो उनके फोटो के सामने अपना शीर्ष नमन करता है। तो आजमी की कुर्सी से औकात नहीं है, उसकी औकात उसके कर्म से है, और जो उन्होंने कर्म किए उसी कर्म की गाथा आज आप और हम गा रहे हैं। तो क्या आप नेहरू जी को अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं? आपको मालूम है, इतिहास मालूम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वप्रथम राष्ट्रपति किन हालतों में उनकी मौत हुई? मैं आपका जबकि नेहरू जी प्रधानमंत्री सरकार ने आप एक कमरे छत्र चूराई, वहां पर उनका एक पलंग डला रहा, एक खटिया, क्या उनका सरकारी इलाज अच्छा इलाज नहीं हो सकता था? कैसी आपका परिस्थिति में, कैसी संदर्भ व्यवस्था में उनकी मौत हुई? आप बताएं, क्या नेहरू जी को अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं? इतिहास में अगर हम जाएंगे तो झवेर भाई पटेल, जो वल्लभ भाई पटेल जी के पिताजी थे और जब ऑस्ट्रिया में इलाज कराने गए थे तो उन्होंने नेताजी बोस को अपनी आधी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी देखभाल तक हुई, जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने पिताजी के साथ करना चाहिए था नेताजी बोस ने किया। आप इसको पढ़ लेना, गूगल कर लेना। तो आधी जमीन किसको दे दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर केस किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस लिए? क्योंकि वो जमीन लेना चाहते थे और उसके बाद वो जीते भी, जो की सरकार थी 1943 की बात है, 42 के आसपास, क्योंकि 42 में उन्होंने जमीन दान जो है कर दी थी या नाम कर दिया था, और वो नेताजी बोस को अपना पांचवा बेटा मानते थे, कहते थे कि नेताजी बोस हमारे पांचवें बेटे की तरह हैं, और वो बेटे की तरह इसलिए प्यार करते थे तो नेताजी बोस और उनकी जो है पत्नी जो एमिली सिंगल जी थी, तो वो उन लोगों ने जो है सेवा की हुई थी। तो अब उन्होंने जमीन दान दे दी, अब सोचिए नेताजी बोस से जमीन जो है कैसे उन्होंने, एक खुद अपनी जो है जमीन दे रहा है,
सरदार वाला भाई पटेल जमीन ले रहे हैं तो क्या इसमें आपको विवाद नहीं दिखता? देखिए विवाद खड़ी करने की वजह लाखों मिल जाएंगे, लेकिन एक सही वजह हमने जो आपको बताई है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री नहीं होते, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो मैं ये कह रहा हूँ फिर से कि हम 687 रियासतों में पता नहीं कौन सी रियासत में बैठे होते, पता नहीं कहाँ हम होते और आपको वीजा लेकर के हमसे मिलना पड़ता और हमको वीजा लेकर के आपसे मिलना पड़ता। हम सारे देश बने होते, 600-700 जो देश थे वो अभी तक जो है खड़े होते। तो ये जो अंग्रेजों की थी छोड़ने के लिए वल्लभ भाई को उस पद पर बैठना बहुत जरूरी था। अब कहा जाएगा कि भगवान कृष्ण अगर अर्जुन की जगह होते, अर्जुन अगर सारथी बने होते तो ये तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन ये भी तो देखा जाना जरूरी है कि भगवान कृष्ण ने तो शपथ ली थी कि मैं तो हथियार ही नहीं उठाऊंगा। अब बिना हथियार अगर अर्जुन की जगह खड़ा होता तो कितना युद्ध जीत पाता? नहीं जीत पाते। तो जरूरी ये है कि आप परमात्मा है, कृष्ण है और उन्होंने संदेश दिया कि कभी कभी सारथी बनना पड़ता है। कभी कभी अर्जुन को बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए सारथी भी बनना पड़ा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अगर गृह मंत्री नहीं होते तो इस देश में रियासतें तो एक नहीं होती, ये मैं दावा करता हूँ। इसको आप हिस्ट्री में आप एक बार सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मेरा एक और सवाल है आपके साथ में कि क्या जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रहा है और महाराष्ट्र पर एक सवाल साथ में ऐड कर देता हूँ कि क्या आप हिंदू नेता मानते हैं बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत संभाल रहे हैं? राज ठाकरे भी आप हिंदू मानते हैं? वो हिंदू जो भाषा के नाम पर नफरत करता है, वो हिंदू जो क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काता है और निकालता है, भगाता है, ट्रेनों में बिठाता है, क्या आप राज ठाकरे को हिंदू मानते हैं? हाँ या ना, आप इतना बता दीजिए। अपने आपको हिंदूवादी कहता है लेकिन भाषा के नाम पर लोगों को मारता है, क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को वहां से मार मार के भगाता है, क्या ऐसा व्यक्ति हिंदू नेता हो सकता है? क्या आप उसको हिंदू नेता मानते हैं? केवल इतना आप बता दीजिए, क्या वो हिंदू हो सकता है? जी जी, हम आपको बताएं, बाला साहब बाल ठाकरे का जब तक जहां तक मुझे ध्यान है उन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा। मैं राज ठाकरे को ना तो हिंदू माना जी, मैं राज ठाकरे को ना तो हिंदू मानता हूँ ना ही सनातनी मानता हूँ। मैं राज ठाकरे को ना ही हिंदू मानता हूँ ना ही सनातनी मानता हूँ। राज ठाकरे को कहां कहां से कहेंगे भाई हिंदू हैं? इन्होंने हमेशा हिंदू और सनातन के लिए विरोध किया। सनातन केशव जी, देवेंद्र जी और संतोष जी, मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, मैं राज ठाकरे को, जिस तरह से देवेंद्र जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि राज ठाकरे ने जो अपनी छवि खत्म करी है ये लोगों को लगता है और कहीं ना कहीं इस तरह से जो है मर सिस्टम जहां तक उनका अंदर का है वो जितना हम समझ पाए हैं, राजनीतिक विश्लेषण कर पाए हैं, वो इतना सा है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब का पुत्र है और राज ठाकरे बाला साहब का भतीजा है, और इतना सा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो राजनीतिक दलदल में फंसकर दलाल बन चुका है। और बात रही राज ठाकरे की तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व में आज भी बाला साहब के अगर किसी में गुण है तो राज ठाकरे में। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि बिहारियों को मारना और अन्य राज्य के जो व्यक्ति वहां काम करने आते हैं उनके साथ मारपीट करना कितना हिंदुत्व में सही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मगर जिस तरह से उनके राज्य में, उनके महाराष्ट्र राज्य में वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के व्यक्ति ही यहाँ काम करें और उनका भरण पोषण कर पाए, तो कहीं ना कहीं ठीक है। अगर उन्होंने राज्य व्यापी एक सिस्टम बना रखा है कि भाई हमारे जो महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं वो महाराष्ट्र में काम करो, राजस्थान के व्यक्ति, वो राजस्थान के व्यक्ति को कभी भी मारपीट नहीं करते, राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, वो कहीं ना कहीं बिहारियों पर ही क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। आपने देखा होगा कभी भी जब भी बाला राज ठाकरे ने कोई आंदोलन किया है तो सिर्फ बिहारियों के ऊपर ही हाथ उठाया गया है, शिवसैनिक द्वारा, राज ठाकरे के शिवसैनिक द्वारा। अगर हम महाराष्ट्र के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा सिंधी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, जो बाहर के हैं, क्या उनको पहले निकालना आवश्यक है? क्या वो उनके व्यापार पर कब्जा नहीं करके बैठे हैं? क्या वो उनकी चीजों पर कब्जा करके नहीं बैठे? और देखा जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी हैं, सबसे पहले उनको निकालना चाहिए, क्योंकि फिर तो जो है वो मराठी भाषा पर जो है पूरी तरह से जो है जो राजवाइज कर रहे हैं, पूरी की पूरी हिंदी लॉबी जिसकी वजह से खाना मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र को, तो क्या हिंदी का सम्मान नहीं होना चाहिए? जिस हिंदी को लेकर के 75 साल नहीं, 1932 में जब पहली फिल्म आई थी और वो दादा साहब फाल्के
जो है जो थे वो पहली फिल्म आए थे हिंदी में निकाली थी, और उसके बाद पूरा हिंदी की जो लॉबी जो काम करती रही है, भाषा पर क्यों हिंदू बट रहा है? कहीं आपने देखा है कि अरबी भाषा या उर्दू जानने वाला एक मुस्लिम बांग्लादेशी जानने वाले मुस्लिम से नफरत नहीं करता है? टोपी लगाइए तो ठीक है, स्वागत है, वो तो नहीं भगाता। कभी आपने सुना है कि एक भी मुसलमान ने, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, उसने टोपी लगाए हुए व्यक्ति को बाहरी कहा हो? वो तो बाहरी, यहाँ तक छोड़ दीजिए राज्यों को तो छोड़ दीजिए, विदेश से आए हुए लोगों को भी, उनके लिए लड़ने के लिए एनआरसी पर तैयार हो गए, कितना बड़ा आंदोलन किया। मैं ये कह रहा हूँ केवल भाषा के नाम पर क्यों बट रहे, भाषा के नाम पर। अगर उनको मराठी में हिंदी हो जाएगी तो क्या समस्या हो जाएगी? पाकिस्तान में तो पूरे हिंदी थी ना, आज 75 वर्षों में क्या बदला? उर्दू हो गया, लेकिन आज भी तो वहाँ हिंदी और पंजाबी बोल रहे हैं सबसे ज्यादा, 72% लोग वहाँ पंजाबी जानते हैं। तो क्या, और जब लिखते वो उर्दू में है, तो क्या ये समझा नहीं जाए? आज भी वहाँ के जो मंदिर हैं, जो चीजें हैं, वहां पर हिंदी लिखी हुई है, तो भाषा पर क्यों इतना प्रेम है? भाषाओं से प्रेम करो ना, किसने कहा है? राजस्थान की अपनी भाषा नहीं है क्या? लेकिन राजस्थान की अपनी भाषा होने के बावजूद भी वहां की जो लिखित में जो भाषा है वो राजभाषा तो हिंदी है। क्या हिमाचल की अपनी भाषा नहीं है? राजभाषा हिंदी है। क्या उत्तर प्रदेश की भाषा इतनी बड़ी भाषा जो दुनिया की तीसरी भाषा हो, बोलने में क्या समस्या है? अपनी भाषा बनाए रखी है, भाषा अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हर मातृभाषा का सम्मान है, लेकिन भाषाओं के साथ में हम लड़े क्यों? बोलना सीखे ना, चीजें करें वो ठीक है, लेकिन भाषा के नाम पर हिंदुओं को ही क्यों कलेजा जाता है? नफरत केवल इसमें हिंदू करता है। केशव जी बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं बाला साहब का जो पार्टी का बनाने का जो मतलब था, और पार्टी को जो आज विकास की गति पर जो पार्टी पहुंची है, वो यही था, क्योंकि उनका पैटर्न अलग था। उनका एक नारा था, उठा लूंगी बजा पूंगी, ये शिवसेना का सबसे एक सर्वश्रेष्ठ नारा रहा है। और उनका एक ही सिस्टम था कि कहीं ना कहीं मैं महाराष्ट्रीय लोगों की हेल्प कर सकूं। अब उसको धीरे धीरे जो पैटर्न बना, धीरे धीरे सिस्टम बना, वो कहीं ना कहीं गलत वे में है, ये हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो भाषावाद पर और जो समाजवाद पर और जिस तरह से जो इस तरह के मामले होते हैं वो नहीं करने चाहिए, ठीक है। मगर जैसे जैसे समाज सुधर रहा है, वैसे वैसे हमारे नेता भी सुधर रहे हैं, तो इस बात को इतना बड़ा इशू नहीं करके अपन ये सोच सकते हैं कि ठीक है, गुजराती भाई जब पूरे भारत देश पर राज कर सकते हैं, तो एक महाराष्ट्री ने जब गुजराती भाई पूरे भारत देश पर राज कर सकते हैं, तो एक महाराष्ट्र अपनी कहीं ना कहीं कोशिश करके, और आज जो महाराष्ट्र में अस्तित्व बनाया शिवसेना का, बड़ी अच्छी बेहद अच्छी बात है। और आपने तो देखा होगा कि दो शेर एक जगह पानी पी सकते हैं, मगर दो पत्रकार एक जगह नहीं बैठ सकते। तो हर जगह ये सिस्टम है कि कहानी जो है वो हर जगह बनी हुई है, मगर कहीं ना कहीं हमारे जो व्यक्ति हैं और हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, मैं जैसे रमेश जी श्रीवास्तव, संतोष जी, इन सबसे भी ये चाहूंगा कि आप अपनी बात को हमारे साथ साझा करें, और साझा करने के बाद, क्योंकि आपके जब तक सवाल और प्रश्न हमारे बीच में नहीं आएंगे, जब तक सवाल नहीं होंगे, आंसर नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज का कोई हल नहीं निकल सकता। आज के डिबेट में इसलिए हमें यही रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय भी हो गया है डिबेट का, और कल हम इसी समय जो है सभी दर्शकों के साथ मिलेंगे, और शायद हम बड़े और नए मेहमानों के साथ भी यहाँ पर जो है मुलाकात करेंगे, और सवाल फिर वही रहेगा कि आखिर हिंदुओं को कैसे एक किया जाए, क्योंकि जो छोटी छोटी वजहें हैं केवल हिंदू बोलने से एक नहीं हो जाएगा, जो बड़ी बड़ी वजहें हैं, जो छोटी छोटी वजहें जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, उन पर हमें चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। और साथ ही देवेंद्र पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत जो है स्वागत भी हमने किया, और बहुत बहुत आभार आपका तरफ से। राकेश साहब आपका भी बहुत बहुत आभार, रमेश साहब और राष्ट्रपिता की उपाधि अगर नाथूराम गौड़से को मिलती, और मैं तो राष्ट्रपिता अपने नाथूराम गौड़से को मानता हूँ, महात्मा गांधी को नहीं मानता हूँ, मेरे जहाँ तक विचार है। देवेंद्र जी मैं भी आपकी बात बोल देता हूँ, हर भगवा पहनने वाला हिंदू नहीं होता जी। सर तो क्या आप हमारी बात से सहमत नहीं है? नाथूराम गौड़से ने जो किया सही नहीं किया, राष्ट्रपति लायक नहीं थे वो? संतोष अभी केशव जी ने ये बताया, संतोष जी, लेकिन फादर आप ऐसा नेताजी बोस क्यों नहीं बन सकते? मेरा सवाल सीधा है, क्यों गौड़से को इतना, कौन सा क्रांति में उनका योगदान था? एक व्यक्ति जो हत्या कर देता है उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके बाद में बहुत सारे उदाहरण है। नेताजी बोस हमारे फादर ऑफ नेशन क्यों नहीं बन सकते? फादर ऑफ भी नेशन है ना नेताजी बोस, सीधी सी बात है, उनसे ऊपर कौन है? सुभाष चंद्र बोस तो हमारे महान दर्शक हैं।
नहीं बिल्कुल मार्गदर्शन क्वेश्चन बॉस हमारे मार्गदर्शक हैं, इस देश के फादर ऑफ नेशन है, उनका जो त्याग उन्होंने जो त्याग स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई लड़ी इतना कोई नहीं कर सकता। मार्गदर्शन सिर्फ स्वामी विवेकानंद महान शक्तियां अलौकिक शक्तियों के मालिक क्वेश्चन बॉस जी। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि देखो डेबिट का समय पूरा हो चुका है और इस समय खत्म होते होते भी आप जैसे नाथूराम गोडसे जी के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये शब्द और ये नाम सिर्फ आपने किताबों में पढ़े होंगे, ये शब्द और ये नाम सिर्फ आपने किताबों में पढ़े होंगे। कई नाम ऐसे हैं जो कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने शहादत दी है हमारे देश के लिए, वो नाम भी आज भी किताबों में नहीं है। तो उन लोगों को नमन करो जिनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, जो आज हमारे इतिहास में भी दर्ज नहीं है, क्योंकि सहमत हूं मैं लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, जो हमारे देश में बलिदान जिन लोगों ने बलिदान दिया है उन व्यक्तियों के नाम आज भी हमारी किताबों में नहीं है। ये वो नाम है जिनको आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, भारत देश जानता है, ना तो नाम को आपने देखा है ना मैंने देखा है, ना कुमार चंद्र बोस को आपने देखा।